मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। गुरु प्रेमियों, कभी सोचा है कि हम में से कौन किसको कैसे मोक्ष दिलवा सकता है? कभी इसके बारे में सोचा है? मुझे ऐसे ही विचार आया बैठे बैठे, ईश्वर ने, निश्चित रूप से ईश्वर ने ही विचार दिया। जो भी मैं बोलता हूं, जो भी मुझे वो सुझाते हैं, मैं यहां के बोलने लग जाता हूं, खुद ही बोलते हैं, खुद ही बुलवाते हैं। मैं माध्यम मात्र हूं, मैं बार बार ये कहता रहा हूं, मैं कोई विद्वान, ज्ञानी, संत, बाबा कुछ नहीं हूं। कौन हमें कैसे दिलवा सकता है? अक्सर इसका मैं थोड़ा सा जिक्र हमारे धन गुरु नानक जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें किया था। तरह तरह के इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, आश्रम है, संतों के, महापुरुषों के, बाबाओं के, उनमें बहुत सारे नकली हैं। ये हमें बहुत बाद में पता चलता है। पहले तो मार्केटिंग इतनी अच्छी होती है कि हम चकमे में आ जाते हैं, चकमा खा जाते हैं, हमको लगता है कि लो भाई अब तो काम हो गया। अच्छा, सब लोग उस चक्कर में पड़ते भी नहीं हैं। बहुत से लोग हैं जो न तो भगवान को चाहते हैं, जानते हैं, न मानते हैं। और कुछ एक लोग हैं जो दुविधा में हैं कि है भी कि नहीं है। और कुछ एक लोग हैं जिनको लगता है कि वो है या होगा तो कैसे पाया जाए, लेकिन वो मन से नहीं है, बस उनको चाहिए तो कहीं पीछे ना रह जाएं, तो देखा देखी वो लग जाते हैं। और बहुत कम लोग हैं जो पूरी तरह से समर्पित भाव से जुटते हैं। अब ऐसा सबका अपना अपना भाग्य होगा, इसलिए होता है। तो जब वो देखते हैं, कोई इश्तिहार देखते हैं या कहीं समागम देखते हैं, तो फिर देखा देखी उनको लगता हम पीछे रह गए। तो तमाम दुनिया भर में आश्रम बने हुए हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि सब लोग पाखंडी हैं, लेकिन ये कह सकता हूं कि मेरा ख्याल 95%, 98 भी हो सकते हैं, ज्यादातर लोगों के पल्ले कुछ है नहीं। उलझाते हैं, दुकानें खोली हुई हैं, लेकिन कुछ जेन्युइन असली बाबा लोग भी हैं। इसलिए संसार चल रहा है, ये सृष्टि चल रही है। अब उनकी पहचान कैसे हो और हमें कौन मोक्ष दिलवाएगा, ये बड़ा अहम सवाल है। तो अब मैं भी बहुत भागा दौड़ा शुरू में। मैं ये बात कर रहा हूं करीब 30 साल पहले की, 25 से 30 साल पहले की, जब मेरे बड़े सीरियल वगैरह, फिल्में वगैरह चलती थी, तब भी मुझे कहीं ना कहीं मेरे कुछ सवाल थे, तलाश रहती थी। तो मैं बड़े बाबाओं के पास, इसका मैं जिक्र कर चुका हूं पहले कई बार, कि मैं बाबाओं के पास गया मेरे अपने सवाल लेके, मुझे सही संतोषजनक जवाब नहीं मिला कहीं से। और फिर जब मैंने खालसा फिल्म बनानी थी, मुझे फंडिंग चाहिए थी, तब भी मैं बहुत बाबाओं के पास गया, और उस वक्त बड़े असली नकली बाबा देखने को मिले। फिर धीरे धीरे और यात्रा आगे बढ़ी, तो वैसे ही दुनिया के सामने लोग आ गए, लेकिन कमाल की बात यह है कि कुछ बाबाओं को पकड़ के जेल में भी डाल दिया गया, लेकिन जो उनके चेले हैं वो इतने समर्पित हैं कि वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो बाबा नकली है या वो बाबा ऐसा क्राइम कर सकता है या ऐसी गिरी हुई कोई हरकत कर सकता है, वो मानने को तैयार नहीं। उनका ऐसा अकीदा है, ऐसा समर्पण है, ऐसा विश्वास है। चलिए, ये उनका अपना जीवन है, लेकिन कौन किसको कैसे मोक्ष दिलवा सकता है? मैंने जिक्र किया था कि आजकल जगह जगह यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं, जैसे बहुत सारे डेराज हैं, आश्रम हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, पता नहीं क्या क्या वो लोग करवाते हैं, योग शिविर लगते हैं, और अलग अलग बाबाओं ने, महापुरुषों ने, संतों ने, ऐसा हम उन्हें संबोधन करते हैं, लेकिन असली कौन है ये पहचानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो असली वाला होगा उसकी मार्केटिंग बहुत वीक होगी। उसको ऐसा लगता है कि जिसके भाग्य में होगा वो आ जाएगा। जैसे नाड़ी शास्त्री वाले लोग हैं, उनसे अगर कहो कि आप इसका प्रचार क्यों नहीं करते हैं, मतलब आप इश्तिहार वगैरह नहीं देते हैं, लोगों को मालूम नहीं, तो उनका कहना ये होता है कि जब हम भाग्य में यकीन रखते हैं
तो जिसके भाग्य में हमारे पास आना होगा, जब आना होगा वो तभी आएगा, कोई विधि बनेगी, ये उनका अपना अकीदा है, इसलिए वो मार्केटिंग नहीं करते। अब बहुत सारे बाबाओं को मैं देखता हूं तो उनके पास तो बड़ी तगड़ी सिक्योरिटी होती है, गनमैन होते हैं, पुलिस होती है, बड़ी गाड़ियां होती हैं, बड़ा लाव लश्कर होता है। और एक बाबा को तो मैंने देखा उसके पास एक ही नंबर की कई गाड़ियां थी और बड़ी लग्जरी गाड़ियां, महंगी गाड़ियां और बड़ी सिक्योरिटी थी। वहां बड़े बड़े पॉलिटिशियन जाते हैं मदद लेने के लिए कि वो अपने चेलों से कह दें कि उनको वोट दे दें तो वो जीत जाए, सत्ता में आ जाए, फिर उनको सुविधाएं देते रहते हैं। तो मैं अक्सर सोचने लग गया कि यार ये बाबा को ईश्वर पर विश्वास नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनके चेले चिढ़ जाएंगे, उनको तकलीफ होगी, तो हमारा मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है। लेकिन एक बहुत अहम बात शेयर करना जरूर है कि जब आ गई तो कौन बचाएगा, जब आपकी मृत्यु आ गई तो फिर ये किस लिए, बाबा को सिक्योरिटी बचाएगी, फिर बाबा किस बात का है? बाबा के सामने तो लोग नतमस्तक होंगे ना, बाबा को भय किस बात का है? चेलों से भय है या दूसरों से भय है? लेकिन जब आपका समय नहीं आया तो आपको कौन मार सकता है? लेकिन फिर भी चलिए छोड़िए, बाबाओं के पास बड़ी जबरदस्त भयंकर सिक्योरिटी देखी मैंने और भयंकर इंतजाम, गाड़ियों के काफले और उनके राइट हैंड लेफ्ट हैंड मैन, मतलब आप देख के दंग रह जाएंगे। खैर, आम आदमी तो उन तक पहुंच ही नहीं पाएगा बेचारा। तो अब जब ये सब हम देखते हैं, ये मार्केटिंग देखते हैं, तो लोग बहक जाते हैं, उनके बहकावे में आ जाते हैं और उनके चेले बन जाते हैं, उनकी बहुत बड़ी संगत बन जाती है और वो उनके खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते हैं। यानी इनको झूठा फंसाया गया है, ये षड्यंत्र है उनको बदनाम करने का। कभी वो सरकार पे इल्जाम लगाते हैं, कभी उनके अपोनेंट्स पे, चाहे उन पे मर्डर के इल्जाम भी लग जाएं, लेकिन लोग उनके चेले मानते नहीं है, ये उनकी अपनी जाती सोच है, नजरिया है। लेकिन जब ये प्रोपेगंडा होता है, जब ये मार्केटिंग होती है, जैसे वो तमाम यूनिवर्सिटीज की मैं बात कर रहा हूं, तो उनकी बड़ी एडवर्टाइजमेंट होती है नेट के ऊपर भी और टेलीविजन के ऊपर भी, अखबारों में भी, क्यों? उनको ग्राहक चाहिए। अभी यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, सबकी बात नहीं कर रहा हूं लेकिन ज्यादातर 99%, शायद 1% 2% ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हों जहां जेन्युइन पढ़ाई कराई जाती है, जेन्युइन डिग्रियां दी जाती हैं, लेकिन ज्यादातर में यह हाल मैंने देखा पीएचडी दी जाती है। आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, आपका वो थीसिस भी वही तैयार कर देंगे और जो इंटरव्यू होना उसमें जो सवाल पूछे जाने उसकी भी आपकी तैयारी करवा देंगे और उनको भी समझाया हुआ होगा। तो उसमें जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो गाइड होता है, ये तमाम लोग पैसे लेते हैं, तो आपने उनको पैसे देने हैं और वो खाना पूरी आपसे करवाएंगे, आपको 2-3 बार वहां जाना होगा और आपको पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी। ऐसे ही हो सकता है एमबीबीएस, लोगों ने कहा कि बहुत सारे फेक डॉक्टर्स हैं, ये सोशल मीडिया में घूमता है, फेक एडवोकेट्स हैं, ठीक है, सारा को टीचर है, फेक टीचर्स हैं। तो ये स्थिति हमारे देश में अक्सर इसकी रिपोर्टिंग होती रहती है। अब वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं और तमाम लोग जो ये डिग्रियां हासिल करना चाहते हैं वो अपनी अवस्था नहीं देखते, अपनी औकात नहीं देखते, अपनी क्वालिफिकेशन नहीं देखते, अपना स्टेटस नहीं देखते, बस उनको डिग्री चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस डिग्री के आधार पर नौकरी हासिल करनी है और पैसा कमाना है, हालांकि वो सारा जीवन बेइज्जत होते रहेंगे क्योंकि निकम्मे हैं, उनको उन्होंने मेहनत तो की नहीं है। अब इसी तरह से यूनिवर्सिटी में अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, अपना रिकॉर्ड दिखाना है, एक्सेल करना है, अखबारों में छपेगा और वहां बताना है कि हमने इतनी सारी डिग्रियां दे दी, इतने लोगों को पीएचडी करवा दी, इतने सब्जेक्ट्स में पीएचडी करवा दी। तो उनको अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, उनकी गुड बुक्स में रहने के लिए, यूनिवर्सिटी को चलता रखने के लिए जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए वो एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं और उल्टे सीधे तरीके अपना के पैसा भी कमाते हैं और डिग्रियां भी देते हैं। ये नॉर्मली मैंने तो देखा है और आप लोगों में से बहुत सारे लोग भुक्तभोगी होंगे, जानते होंगे इसके बारे में। अब ऐसे ही अगर आप देखें
मोक्ष को मैं कि आप ईश्वर का रूप हो जाएं, आपको रियलाइजेशन ऑफ इटर्निटी हो जाए, तो आपको एक तरह से पीएचडी मिल गई। मैं समझाने के लिए उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, उसकी तुलना हम पीएचडी से कर लेंगे, उससे आगे आप और कोई डिग्री नहीं होती है, पीएचडी ही होती है बस। तो ये तमाम लोग जो आश्रम में बैठे हुए हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ठगों की पाखंडियों की बात कर रहा हूं जिनमें से ज्यादातर ऐसे लोग हैं, सही लोग भी जिनकी अवस्था है पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनकी मार्केटिंग आपको नहीं मिलेगी। तो इनकी मार्केटिंग को देख के जो कहते हैं कि आपको हम ब्रह्म ज्ञान करवा देंगे, या हम आपको ये करवा देंगे, या हम आपको ईश्वर से मिलवा देंगे, या आपको ईश्वर के दर्शन करवा देंगे, या आपको रोशनी दिखा देंगे, जो भी तरह तरह के उनके अपने वो हैं लेवल्स हैं, और बताते हैं आपको कि ये आपको हम करवा सकते हैं, ईश्वर से एक सुरता करवा देंगे, ईश्वर से मिलाप करवा देंगे, वगैरह वगैरह। तो उन्हें सोचिए, वो कह रहे हैं कि हम आपको पीएचडी की डिग्री दे देंगे, समझने के लिए कह रहा हूं उदाहरण के तौर पे। तो आपने कभी सोचा जो दौड़े चले जाते हो वहां कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप के पल्ले क्या है, मेरा मतलब कि आपने एमए कर ली है। अगर आपने एमए भी नहीं की है, और एमए भी अगर की है तो पास मार्क्स से, यानी आप में वो कैपेसिटी नहीं है, वो योग्यता नहीं है कि आप पीएचडी कर सकें, मतलब आपने जप तप नहीं किया है, पिछले जन्मों में नहीं किया होगा, क्योंकि पिछले जन्मों में नहीं किया तो इस जन्म में भी आपको वो सूझ नहीं होगी, तभी तो आप जुगाड़बाजी के चक्कर में होंगे, जुगाड़ लगा के डिग्री ली जाए। तो उनको लगता है कि उस आश्रम में चलते हैं, वहां तो बाबा जी कहते हैं कि आप एग वगैरह खा सकते हो, मांस खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उस आश्रम में चलते हैं वो तो कहते हैं कभी कभार अगर आप पी भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है, मन साफ होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि जब आपको कोई आसान तरीका बताएगा तो उसने तो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, पॉपुलैरिटी बढ़ानी है, और कुछ ऐसे तिगड़म करेंगे वो, कुछ ऐसे प्रपंच मार्केटिंग टेक्निक्स ऐसे इस्तेमाल करेंगे, ऐसे चमत्कार की बात करेंगे, कुछ ऐसे चेले उनके होंगे जो ये कहेंगे कि बाबा जी गजब कर देते हैं, ईश्वर का रूप है, बाबा जी ने मेरे बच्चे नहीं होते थे, 15 साल हो गए शादी को, ये देखो बच्चे पैदा कर दिए, मेरे हाथ कट गया थे, देखो जोड़ दिया, उगा दिया बाबा जी ने, बाबा जी ने मेरा कारोबार चौपट होगा, देखो अभी मुझे माला माल कर दिया, बाबा जी हर मर्ज की दवा है, हर मर्ज का इलाज है, ऐसे मार्केटिंग वाले आपको बताएंगे ताकि आप भी लग जाए कतार में। अब जो बात मोक्ष की हो रही है, डिग्री अल्टीमेट पीएचडी, तो आपको पहले अपनी हैसियत, अपनी औकात, अपनी अवस्था, अपनी क्वालिफिकेशन देखनी है, दौड़ मत पड़ना, क्योंकि बहुत समय के बाद आप उस भीड़ का हिस्सा रहेंगे। भेड़ें होती हैं, भेड़ चाल है, एक भेड़ चलेगी उसके पीछे सब भेड़ें चल पड़ती हैं, एक मॉब मेंटेलिटी होती है, भीड़ की एक मेंटेलिटी होती है, जहां बहुत ज्यादा भीड़ होगी लोगों को लगता है यहां कुछ जरूर होगा। हमारे यहां हिंदुस्तानियों का आमतौर पर यह देखा गया है, उनका ऐसा नजरिया है, ऐसी सोच है, ऐसी मानसिकता है कि आप सड़क पर जाते हुए जो ऐसे देखने लग जाए आसमान में और मुस्कुराने लग जाए तो पता नहीं वहां कितनी भीड़ लग जाएगी देखने वालों की, बेशक वहां कुछ दिखाई ना दे लेकिन एक आदमी देख रहा है ना, एंजॉय कर रहा है, तो बाकी लोग आके खड़े हो जाएंगे, उनको देख के और आके खड़े हो जाएंगे। इसी तरह से आपको अगर बहकाया जाएगा कि कोई आपको ब्रह्म ज्ञान करवा देगा, कोई आपको ईश्वर से मिलवा देगा, ईश्वर का रूप बना देगा, साक्षात्कार करवा देगा, ठीक है, मोक्ष दिलवा देगा, तो जरा सोचना, बैठ के सोचना ठंडे दिमाग से कि क्या आप इतना जप तप करते हो, क्या आपको ईश्वर से बहुत प्रेम है, क्या आप सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के घंटों स्मरण करते हो और आपका मन नहीं भटकता, आपका ध्यान नहीं भटकता, आपको विचार नहीं आते हैं, क्या आपको कोई वाइब्रेशंस महसूस होती हैं, क्या आपको कोई रोशनी दिखाई देती है, क्या आपको अनहद ध्वनि सुनाई देती है, कुछ ऐसे अद्भुत अनुभव क्या आपको होते हैं और कितनी देर से होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप दाखिले के लायक हैं, लेकिन किस यूनिवर्सिटी में, हो सकता है कि आप
तो बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाने के लायक थे, लेकिन आप एक फ्रॉड यूनिवर्सिटी में चले गए, तो वहां तो आपकी डिमोशन हो जाएगी, ये जो आप करते हैं ये भी भूल जाएंगे। तो अपने आप को पहले तो अपना निरीक्षण करना, एनालाइज करना कि आप कहां खड़े हैं। अगर आपने आप गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं, जैसे लोग जाते हैं आमतौर पर, ज्यादातर लोग जाते हैं वहां पे, थोड़ी देर बैठते हैं, फिर लंगर खाते हैं, बातें चीतें करते हैं, चले आते हैं गुरुपुरब पे, संग्रांत पे, कोई शहीदी दिवस हो तब, या फिर आप मंदिर जाते हैं, जो भी कोई खास दिन होता, उत्सव होता, तब जाते हैं। वैसे आप ज्यादा नाम नहीं जपते हैं, आप झूठ भी बोलते हैं, बेईमानी भी करते हैं, धोखाधड़ी भी करते हैं, मिलावट भी करते हैं, निंदा चुगली भी करते हैं, शत्रुता भी पालते हैं, बैर विरोध भी रखते हैं, और पुण्यदान भी नहीं करते हैं ज्यादा। तो कैसे पीएचडी मिलेगी आपको? ये मैं उन तमाम लोगों से मुखातिब होना चाहता हूं कि जो भाग पड़ते हैं, दौड़ पड़ते हैं कि वहां उनको जाके ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, पीएचडी मिल जाएगी। नहीं, ये आप अपने खुद के साथ छलावा करेंगे, अपने आप को धोखा देंगे। पहले अपनी पोजीशन बनाइए। पीएचडी के लिए भी देखिए, आपको पहली कक्षा से शुरू करके आपको एमए तक जाना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने साल लगते हैं, और उसके बाद भी आपकी योग्यता इस काबिल हो, आपने कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स लिए हैं, तो उसके हिसाब से फिर आप पीएचडी के लिए चुने जाएंगे। और पीएचडी का प्रोसेस भी इतना आसान नहीं होता है, लेकिन फ्रॉड यूनिवर्सिटीज में यह आसान होता है, वो साल, डेढ़ साल में, दो साल में आपको डिग्री थमा देते हैं। तो ऐसे फ्रॉड बाबाओं से बचिएगा, मार्केटिंग टेक्निक से बचिएगा, अपने दिमाग, अपने कान, आंखें खुली रखिएगा, गौर से देखिएगा। पहले तो अपने आप को, अपनी अवस्था का निरीक्षण करें कि आपकी पोजीशन क्या है, आपकी अवस्था क्या है, आप इस लायक हैं क्या। गलतफहमी का शिकार मत हो। अगर ये सब कुछ आपको आप करते हैं, सुमिरन करते हैं, ये जो मैंने पहले बताया कि ये घटनाएं आपके साथ घटती हैं जो अद्भुत हैं, तो इसका मतलब आप में वो योग्यता जाग रही है। लेकिन कितनी दूरी है ये भी कहा नहीं जा सकता। हाँ, आप सही राह पे हैं। तो अगर ऐसी अवस्था है, तब फिर कोई जो ईश्वर है ना, वो आपको कोई ऐसा आदमी मिलाएंगे, ऐसा महापुरुष मिलाएंगे खुद ही। जो भी प्रार्थना करनी है, जब आपको ये रास्ता मिल गया, तो फिर भटकाओ किस लिए, क्यों जाना किसी के पास। मैं बार बार ये कहता रहता हूं कि गुरु नानक देव जी महाराज का ये गाड़ी रहा है, हाईवे टू साल्वेशन है। ठीक है, आप टेक्निक गुरु नानक देव जी महाराज की इस्तेमाल करें। हमारे यहां तो जो भक्त हैं गुरु ग्रंथ साहब में विराजमान, उन्होंने तो जो हमारे देवी देवता और शक्तियां हैं, उन पर भी प्रश्न चिन्ह लगवा दिए हैं। वो कहते हैं कि ये आपको मोक्ष नहीं दिलवा सकते, मोक्ष तो वो निरंकार दे सकते हैं, हरि दे सकते हैं, ईश्वर दे सकते हैं, इसलिए उसी की आराधना करो। अगर आपको मोक्ष चाहिए, अगर आपको पीएचडी चाहिए, अगर आपको रिद्धियां सिद्धियां या वैसी शक्तियां, उसकी सिद्धि कर ली आपने, वो काम करना तो अलग बात है, आपने उसी में अगर आनंद लेना है तो अलग बात है। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है, कुछ विद्वानों ने यह बताया, कि जिन शक्तियों की सिद्धि करके लोग उन्हें इस्तेमाल करते अपने जीवन में, मरने के बाद में उस आत्मा को उन शक्तियों का गुलाम बनकर रहना पड़ता, उससे बाहर नहीं जा सकते, उनके लिए काम जो भी उनका सिस्टम होगा कुछ। तो जैसा मैं कहता हूं, गिव एंड टेक है इस संसार में, इस सृष्टि में कुछ भी फ्री नहीं है, हिसाब किताब है, तिल तिल का लेखा है। तो मूल कारण इस वीडियो का यह था कि जिस तरह से लोग भाग पड़ते हैं, मैं उसको सीधापन कहूंगा लोगों का, या अज्ञानता कहूंगा, कि आप कैसे सोचते हैं कि कोई भी पहुंच जाएगा और उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, उसको पीएचडी मिल जाएगी। कैसे सोच सकते हैं आप कि उसको ईश्वरत्व की प्राप्ति हो जाएगी, उसको मोक्ष मिल जाएगी, कैसे, कोई बाबा कैसे दिलवा देगा। किसी के जीवन में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन अगर आने भी है, तो ये उसके कर्म, उसकी प्राप्त, उसका भाग्य होगा, तभी कोई बाबा उस पर कृपा करेगा, वरना बाबा की हैसियत नहीं है कि उस जीव के कर्म ना हो, उसका भाग्य ना हो, उसकी प्राप्त ना हो, और बाबा उस पर कृपा कर दे, इसका मतलब वो ईश्वर से बड़े हो गए। उस सब मैं जैन बाबाओं की बात कर रहा हूं, जो असली बाबा है, जो वास्तव में महापुरुष है, जो वास्तव में प्राप्त कर चुके हैं कुछ, वो तो उसकी हुक्म अदली करते ही नहीं है, वो तो उसके हुक्म को मानते हैं, तो फिर वो कैसे हुक्म अदली करेंगे, इसके भाग्य में तो है नहीं।
कर्म ऐसे किए नहीं, तो कैसे बाबा उसको मोक्ष प्रदान कर देंगे, ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर देंगे, दृष्टि प्रदान कर देंगे? तो है तो ये आपका अपना ही, आपने खुद जो कमाया, मिलना भी आपको आपके अंदर से है। बाहर से तो आपको गाइडेंस मिल सकती है, कोई बाबा के पास जाएंगे, कोई अच्छा सही बाबा होगा, शब्द दे देगा, उस शब्द की आपने साधना करनी है। और बार बार मैं कहता रहता हूं, गुरु नानदेव जी महाराज की टेक्निक है कि शुरुआत आपने शब्द का उच्चारण करना है और उसको सुनना है। हम लोग कहते हैं वाहेगुरु वाहेगुरु करो, एक ओंकार सतनाम वाहेगुरु करो, या मूल मंत्र करो और उसको सुनो, ये शुरुआत है। उसके बाद सुरत जपेगी, शब्द सुरत का सुमेल, कोई विचार नहीं, कहीं नहीं जाना, कोई थॉट नहीं, थॉटलेसनेस की स्टेट होगी आपकी, ठीक है। और फिर आपने आंखें बंद करके सुरत से जपना ईश्वर का नाम, अल्लाह वाहेगुरु का। आप अपने धर्म के मुताबिक जो नाम आपके मन के करीब हो वो जपना शुरू करें, लेकिन ये नहीं कि 5 मिनट बैठे 7 मिनट बैठे, नहीं, बैठना पड़ेगा, समय लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो अवस्था हमारी हो गई, इसको बहुत टाइम लगा है, बहुत जन्म लगे हैं, तो उसको ठीक करने में टाइम लगेगा। तो पेशेंस चाहिए, धीरज चाहिए, लगे रहिए, धीरे धीरे आप देखेंगे बदलाव आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप किसी महापुरुष जो जैनी में उसके दर्शन करना चाहें, तीर्थ यात्रा करना चाहें, अच्छी बात है, धर्म स्थलों पर जाना चाहें, अच्छी बात है, लेकिन पहले अपनी कमाई करें। और ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे पास गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज मौजूद हैं, ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे पास गुरु नानक देव जी महाराज का गाड़ी रहा, हाईवे टू सल्वेशन मौजूद है, तो हम उसका अनुसरण करें, अपने को इस लायक बनाएं, पात्र बनाएं। जब हम पात्र नहीं है तो किसी महापुरुष असली के पास भी आप चले गए तो उसमें डालेगा क्या? कुछ लोग तो अपना बर्तन उल्टा किए घूम रहे हैं, उसमें डालेंगे तो बाहर गिर जाएगा, ठीक है। कुछ लोग अपने बर्तन में, अपने पात्र में कचरा भरे घूम रहे हैं, कुकर्मों का कचरा, बुरे विचारों का कचरा, बुरी करतूतों का कचरा, तो उसमें वो कैसे डालेगा उसके नाम का अमृत? यानी डालने की जगह ही नहीं है। तो पहले मंजाई करें, और वही तरीके हम लोगों ने बार बार बताए हैं कि आपने आंखें बंद करके बैठना है, सुबह 3 से 6 के बीच में कोई भी टाइम चुन लें, 4 से 5, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे आंखें बंद करके जपें और सुने, पूरे उत्तर को मुंह करें, नीचे कुछ बिछा लें और कंफर्टेबल पोजिशन में बैठे। शाम को 6 से 7, 6 से 6:30 हम लोग करते हैं सुमरन, धन गुरु नानक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसके माध्यम से आंखें बंद करके जपना है और सुनना है, अपने धर्म के मुताबिक जो नाम अच्छा लगता है वो जपने और सुने। ये गुरु नानक देव जी महाराज की टेक्निक में बार बार कह रहा हूं, यही तरीका है। तो छले ना जाएं, दौड़ के ना जाएं, कोई नहीं तुम्हारे लिए लिए बैठा, परोस के बैठा हुआ तुम्हें दे देगा, तुमको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही जप तप करना पड़ेगा, खुद ही तपना पड़ेगा, खुद ही भांडे को, अपने बर्तन को मांजना पड़ेगा, और उसका तरीका यही है, और कोई तरीका नहीं है। आपने जपना है और सुनना, आंखें बंद करके अंदर जाने देना। कबीर दास जी ने इसको उल्टी गंगा, मैं बार बार कहता रहा हूं उल्टी गंगा कहा, नए लोगों के लिए है जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, ये इस वीडियो जो देख रहे हैं इस वीडियो को, कान से कबीर दास जी ने इसको उल्टी गंगा कहा है कि मुंह से उच्चारण करना और कान से अंदर लेना है। इस संसार में, सृष्टि में एक ही डिटर्जेंट है जो पाप की मैल को धो सकता है, वो हरि नाम है, अल्लाह वाहेगुरु गॉड का नाम है। इस्तेमाल कैसे करना है? कान के जरिए। बाकी तमाम चीजें मुंह से अंदर लेते हैं, अंदर जाके एनर्जी बनती, विटामिन बनते हैं, लेकिन ईश्वर के नाम का सेवन कान से होता है। कान से अंदर जाएगा, अंदर जाके मजाई करेगा, इसमें कितना भी टाइम लग सकता है, जितनी ज्यादा मैल हमने इकट्ठी की उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो धीरज चाहिए, पेशेंस चाहिए, लगे रहना है। तो जब मजाई हो जाएगी तो अपनी आपको राहत मिलेगी, विश्वास आना शुरू हो जाएगा, आप समय बढ़ाएंगे, आनंद आने लग जाएगा। ये जो आपके अंदर चमत्कार होगा यही आपको गाइड करेगा। ये जो ईश्वर का नाम है जो उससे भी बड़ा है, ऐसा गुरु साहबान का फरमान है, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। वो जितना ऊंचा खुद है उससे ऊंचा उसका नाम है। तो वो नाम जब मजाई करेगा, जब आनंद आने लग जाएगा, तो ये नाम ही आपको गाइड करेगा। फिर आपकी सुरत जपने लग जाएगी, आंखें बंद करके आपने घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे दिन में मन में जपते रहना है, वाहेगुरु वाहेगुरु, हरिओम तत्सत, अल्लाहु अकबर, प्रेज द लॉर्ड, मन में करते रहना, काम करते हुए, सैर करते हुए, शब्द कान में लगा लो, हेडफोन लगा के सुनते रहो, वॉक करो, गाड़ी में शब्द सुनो, गुरुद्वारे मंदिर में जाके नाक रगड़ के माफी मांगो, धन्यवाद करो, सेवा करो, दया करो, ठीक है, प्रायश्चित करो, रात को रिपीट में लगा के सो जाओ ताकि अचेतन सुने, सारा हिसाब अचेतन के साथ है। आप चमत्कार देखिएगा रात को लगा के सोने का, रिपीट पर लगाइए हल्के वॉल्यूम पर, जो आपकी नींद खराब ना करे, डिस्टर्ब ना करे। शुरू में 5-7-10 दिन दिक्कत हो सकती है, उसके बाद रम जाएगा, फिर देखिए जलवा। और जो मरीज अपने कानों में लगा के सुनाई, उनको लगातार निरंतर गुरबाणी, हमारे यहाँ लिंक्स दिए हुए हैं, sikhfilm.com से जाके डाउनलोड से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे
ग्रुप से, धन गुरु नानक ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें शुरू में भी नंबर दिया हुआ, अंत में भी नंबर दिया हुआ हर वीडियो के, वो नंबर आप सेव करें और टेलीग्राम में हमको मैसेज भेजें, अपना नाम, शहर का नाम और ऐड मी हमें शामिल करें। हम आपको लिंक भेज देंगे, उसको क्लिक करें तो आप टेलीग्राम में वो लिंक ओपन होगा और टेलीग्राम में आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे धन गुरु नानक से। वहां डायरेक्टली आदान प्रदान विचारों का हो सकता है। तो छले मत जाइएगा, ठगे मत जाइएगा, भटक मत जाइएगा, गुमराह मत हो जाइएगा। कोई आपको कुछ नहीं दे सकता है। आपका भाग्य, आपकी प्रारब्ध, आपका कर्म, उसके मुताबिक ईश्वर भी तटस्थ होते हैं मोस्टली, क्योंकि उनका एक विधान है, कष्ट आपको भोगना पड़ेगा। आप प्रार्थनाएं करते हैं, वो देख रहे हैं, वो आपको सहारा देंगे, उसका नाम आपको हौसला देगा, शक्ति देगा, कुव्वत देगा फेस करने की। लेकिन अगर आप कहें कि वो बायस्ड हो, पक्षपात करें, नहीं, समदृष्टा है, तटस्थ है, विधान बना दिया, आपे बीज आपे खाओ, जो तू बोएगा तुझे काटना पड़ेगा। हम चाहे आपकी संतान हो, मां बाप हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, अगर उसने कुकर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, तो उससे हमदर्दी तो जता सकते हैं लेकिन उसके दुख को बांट नहीं सकते। अगर वो दर्द में है, करा रहा है या करा रही है, तो कराना उसको ही पड़ेगा। आप उसको गर्म पानी दे सकते हैं, दवाई दे सकते हैं, डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, लेकिन उसके दुख को बटवा नहीं सकते। ऐसे ही सुख, अगर आनंद उसने भोगना तो भोग रहा है, हम उसके साथ थोड़ी देर के लिए शामिल हो सकते हैं लेकिन उस आनंद को हम उसे छीन नहीं सकते हैं। ये बात हमको समझ में आ जानी चाहिए। इसीलिए गुरबाणी, महापुरुष, संत, गुरुजन, अवतारी पुरुष कहते हैं कि यह संसार झूठा है, नश्वर है, टेम्परेरी है, धर्मशाला है, ये रिश्ते नाते सब झूठे हैं, मतलबी हैं। एक ही सच्चा रिश्ता है ईश्वर के नाम का, ईश्वर का रिश्ता, वही सबसे सच्चा, सबसे असली भाई, पिता, माता, बंधु, दोस्त, सखा है, और कोई नहीं। लेकिन हम मानते नहीं है, माया ने हमको इतना जकड़ा हुआ है कि हमारी बात समझ में नहीं आती। तो इस एपिसोड का बेसिक मकसद यह था कि पहले अपने गिरेबान में झांक लेना, अपनी पोटली में झांक के देख लेना कि पल्ले हमारे क्या है, क्या हम पीएचडी के लायक हैं। अगर नहीं है तो कोई तुम्हें अगर भरमा रहा है, बेवकूफ बना रहा है, गुमराह कर रहा है, तो उससे बचना, वरना ठगे जाओगे, अपना समय, अपनी एनर्जी जाया करोगे, खराब करोगे, वेस्ट करोगे, उस सब से बचना। उसकी बजाय मैं ये कहूंगा कि जब तक तुम्हें तसल्ली नहीं हो जाती कि ये बाबा जी, ये महापुरुष असली हैं, ठीक है, उनकी संगत करनी चाहिए, मैंने पहले भी कहा, सत्संग भी करना चाहिए, लेकिन जेन्युइन वाले की ये ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। मतलब जैसे जेन्युइन चीज आजकल ढूंढना मुश्किल है, हर चीज में मिलावट है, जेन्युइन आदमी ढूंढना मुश्किल है, तो ऐसे ही जेन्युइन बाबा महापुरुष ढूंढना बड़ा मुश्किल है। लेकिन है, मिल जाएंगे, ढूंढने पे तो भगवान मिल जाते हैं, तो वो क्यों नहीं मिलेंगे। लेकिन उस पे टाइम लगाना, ज्यादा टाइम ढूंढने पे लगाना, जब तसल्ली हो जाए तब उसकी शरण में जाना, अन्यथा यहां बहुत सारे लोग दुकानें खोले बैठे हैं और वो कहेंगे, जैसे मैंने कहा ना, पीएचडी यूनिवर्सिटियां खोले बैठे हैं और वो मोल की पीएचडियां देते हैं, ऐसे ही बाबा लोग ऐसे उन्होंने आडंबर रच रखे हैं ज्यादातर लोगों ने, वो आपको कहेंगे कि आपको पीएचडी यानी मोक्ष दिलवा देंगे या आपको ईश्वर से मिलवा देंगे, लेकिन आपका सारा जीवन इसी, हमारे पंजाबी में शब्द है कुत्ते चाक, आप बैठे कुत्ता देखता रहता है ना, मालिक की तरफ को टुकड़ा आएगा तो हम सारी जिंदगी कुत्ते चाक में निकाल देंगे भाई, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगी, ईश्वर से साक्षात्कार नहीं होगा, क्योंकि हम तो उसकी तरफ देखने लग गए ना, नहीं, सब छोड़ के बस उस एक ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, उसका नाम जपना है, ध्यान लगाना है, भक्ति करना है, तप करना है, और तमाम कुरीतियों से बचना है, कुराफातों से बचना है, सदाचारी बनना है, बुराइयों से बचना है, मांसाहार छोड़ देना है, नशा छोड़ देना है, निंदा चुगली, किसी के बुरा, वैर विरोध सब छोड़ देना है, दया करनी है, पुण्यदान करना है, गरीबों पे दया करनी है, नहीं तो गौशाला में जाके दया करनी है, कुछ पुण्यदान करना है, सेवा करनी है, गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में, नेक बनना है, सदाचारी बनना है, जपना है, मुंह खोलना है तो उसका नाम लेना है, उठते बैठते चलते फिरते जागते सोते उसका नाम लेना है, अचेतन को सुनने दो, रात को रिपीट पर लगाया करो, ओम की चैंटिंग लगा दो, वाहेगुरु लगा दो, मूल मंत्र लगा दो, हमारे ये शब्द हैं, हमने रिकॉर्ड करवाए हुए, ये लगा दो, देखिएगा आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा, आप हैरान होते चले जाएंगे। लेकिन जल्दबाजी मत करना, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, तो
बहुत जन्मों से हमने कचरा इकट्ठा करना शुरू किया, पाप कर्मों का कचरा, उसको साफ करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन लाभ पहले दिन से शुरू हो जाएगा। वो दिखाई थोड़ी देर बाद हो ये अलग बात है, कई लोगों को महीने में, तीन महीने में, छह महीने में, साल में दिखाई देगा, और कुछ को इससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है। जिसने ज्यादा कचरा इकट्ठा किया हुआ पाप कर्मों का, उसका जीवन ही बताएगा, उसके जीवन में कितने कष्ट होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, दिक्कतें होंगी, तरह तरह की चीजों से वो बीमारियों से घिरा हुआ होगा। ये सब बताते हैं कि तूने पीछे बोया था, हिसाब देना होगा, दे। मैंने इसमें वीडियो डाला हुआ है, एक ज्ञानी और अज्ञानी के अपने कर्मों की सजा भुगतने में कितना फर्क है। तो जो लोग नए हैं उनसे गुजारिश है कि ज्यादातर वीडियोस देखें, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं एक माध्यम मात्र हूं और उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों के दिमाग में, जो इस दुविधा में थे, या जो कहीं ऐसे लोगों के पास जाते हैं, उनको जवाब मिला होगा, और वो भविष्य में इस वीडियो को देखने के बाद अपना बचाव कर पाएंगे और सही राह पकड़ के सही यात्रा की शुरुआत कर पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल।